जापान के तोकुशिमा में 25 साल में सबसे शक्तिशाली तूफान जेबी ने दस्तक दी है, जिसकी वजह से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तूफान के चलते बड़े पैमाने पर कारें, इमारतें नष्ट होने के अलावा परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण उड़ानों और रेल सेवाओं को रद्द करना पड़ा है। यही नहीं, इस शक्तिशाली तूफान की वजह से पुलों पर ट्रक पलट गए हैं। तूफान के चलते हवा 216 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। सबसे ज्यादा घायल पश्चिमी और मध्य जापान में हुए हैं। तूफान के आगे पश्चिमी जापान में स्थित कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी बंद करना पड़ा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने लोगों से जल्द से जल्द जगह खाली करने की अपील की है और अपनी सरकार से निवासियों को बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। नवोदय टाइम्स ज़ीरो की रिपोर्ट।